हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनपीसी के ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो आपको टॉपिक दिख रहा है, अपन टॉपिक लेकर आए हैं सिंचाई। ठीक है, पहले अपन देखते हैं सिंचाई की परिभाषा। ये सिंचाई कहते हैं किसे हैं? तो परिभाषा इस प्रकार है, मृदा में नमी को बनाए रखने हेतु हेतु तथा पौधों के वृद्धि एवं विकास हेतु कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया। क्या कहलाती है आपकी सिंचाई? क्या कहा मैंने? मृदा में क्या करना है? नमी को बनाए रखना है और पौधों के वृद्धि और विकास हेतु कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी सिंचाई कहलाएगी। ठीक है, अब देखना, ऑब्जेक्टिव जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें परिभाषा तो पूछेगा नहीं। वो क्या पूछेगा? वो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो पूछेगा। वो देखते हैं, सिंचाई निर्धारण कैसे करोगे? सिंचाई निर्धारण टॉपिक आता है तो कुछ सामान्य से पॉइंट है, जैसे पौधों की स्थिति को देखकर, पौधों की स्थिति यानी बाह्य स्थिति को देखकर मृदा में नमी की मात्रा, मृदा में नमी की मात्रा को मापकर पत्तियों का तापमान को मापकर। क्या कहा मैंने? पौधों की बाह्य स्थिति को देखकर, इसको ये बोल सकते हैं फसलों का अवलोकन करना। ठीक है, जिसमें किसान क्या करता है, प्रातः सुबह अपनी फसलों को अवलोकित करता है, जिससे उसको ये पता चल जाए कि इसमें सिंचाई करनी है या नहीं करनी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा आता है? दूसरा पॉइंट आता है मृदा में नमी की मात्रा को मापकर। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है पत्तियों का तापमान मापकर। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है कि पत्तियों का तापमान किससे मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर। ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है कि पत्तियों का जो तापमान है वो किसके द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, फिर देखना, अगला पॉइंट आता है पत्तियों में जल विभव को मापकर, जल विभव को मापकर। ये पॉइंट कुछ पॉइंट हो गए। ठीक है, अब अपना एक और टॉपिक आता है इसमें, क्रांतिक अवस्था को देखकर क्रिटिकल स्टेज ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो बार रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखें कुछ विशेष फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, कुछ विशेष फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। नंबर 1 आती है अपने गेहूं। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं 6 होती हैं। 6 होती हैं, कौन कौन सी देखना। फर्स्ट है CRI अवस्था, जिसको क्या कहते हैं, मूल ताज अवस्था।
यानी मूल ताज बनते समय क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरी अवस्था कल्ले फुटान के समय, फुटान के समय। तीसरी कौन सी है, गांठे बनते समय यानी जॉइंटिंग स्टेज। चौथी कौन सी है, बालियां निकलते समय। फिफ्थ कौन सी है, दूध या अवस्था, दूध या अवस्था। ठीक है, लास्ट कौन सी है, पकाव स्थिति, पकाव स्थिति। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। एक इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको अपन समझते हैं। ये कोई आपका क्या है, गेहूं का पौधा है। मूल ताजा अवस्था कौन सी होगी, जब उसकी जड़ों का निर्माण होगा, जड़ों का निर्माण होगा। यह आपकी कौन सी अवस्था हो गई, मूल ताज अवस्था, मूल ताज अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं सी आर आई स्टेज, सी आर आई स्टेज। नंबर एक, इस टाइम क्या कर देनी चाहिए, उस गेहूं की फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। फिर दूसरी क्या कह रहा है वो, कल्ले फुटान, जैसे ये कल्ले फुटेंगे, कल्ले फुटान के समय, कल्ले के समय, ये दूसरी क्रांति का अवस्था होगी। फिर ये गांठे बनेंगी, जॉइंट बनेंगे उनके बीच में, तनों के बीच में क्या बनेंगे, जॉइंट, गांठे। उस समय क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी। ये कौन सी, तीसरी अवस्था होगी। फिर बालियां निकलेंगी, बालियां अवस्था। ठीक है, और लास्ट में इन बालियों में जब दाना पड़ेगा, कच्चा दाना रहेगा, तब दूध या अवस्था आएगी, दूध या अवस्था। और जब पूरी फसल पक जाएगी, जब पूरी फसल पक जाएगी, तब कौन सी अवस्था होगी, पकाव स्थिति, पकाव स्थिति। ठीक है, कौन सी स्थिति रहेगी, पकाव स्थिति। ये गेहूं की फसल की क्या है, क्रांतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फसल की देखते हैं, चना, सरसों, अलसी, तीन फसलें एक साथ लेना है, चना, सरसों, अलसी। अब देखना ये तीनों फसलें कौन सी हैं, फली वाली, फली दार। ठीक है, इन फसलों की क्रांतिक अवस्था देखते हैं, दो हैं, कौन कौन सी, फूल आते समय, फूल आते समय और फलियां बनते समय, फलियां बनते समय। क्या कर देनी चाहिए, इन फसलों में सिंचाई कर देनी चाहिए। ये इन फसलों क्या होगी, क्रांतिक अवस्था। ठीक है, फिर देखते हैं अपन अगली फसलों की, देखते हैं मूंगफली, मूंगफली। इसकी क्रांतिक अवस्था है सुइयां, यानी पैकिंग स्टेज होती है मूंगफली में, सुइयां बनने से लेकर दाने बनने तक, बनने तक। ठीक है, क्या कहा मैंने, सुइयां बनने से लेकर दाने बनने तक इसमें क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, यानी विशेष समय अंतराल रखकर इसमें 6 से 8 सिंचाइयां की जाती है, 6 से 8 सिंचाइयां की जाती है। हम नेक्स्ट फसल की देखते हैं, कपास। अगली फसल कौन सी, कपास। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है, 3। डोडे वाली,
शाखा के निर्माण के समय, ठीक है, फूल आते समय, ठीक है, और डोडे बनते समय, इसमें कितनी, तीन क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं और तीन सिंचाई की जाएगी। ठीक है, अगली फसल की देखते हैं। अगली फसल आती है अपने चावल, इसकी क्रांतिक अवस्था है कल्ले टान के समय, उठान के, चावल की है कल्ले फुटान के समय और फूल आने से पहले और फूल आने के बाद, ये क्या है, ये चावल की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर अगली आएगी अपनी गन्ना। गन्ना की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं अंकुरण के समय, गांठे बनते समय और बढ़वार के समय, और जो फॉर्मेटिव स्टेज होती है उसमें, और बढ़वार के समय, ये क्या है, ये अपने गन्ना की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब कुछ टॉपिक हैं जो फिर अपन चलेंगे, फसलों की जलमांग, सिंचाई के कुछ टॉपिक और रह गए हैं, फसलों की जलमांग और फिर सिंचाई की विधियां, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक देखते रहिए NPC के ऑनलाइन चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।